नमस्कार दोस्तों, जीवन के सबरंग से मिथिला। दोस्तों, आज हमारे बड़े बेटे दोपहर में फेसबुक में कुछ मैसेज टाइप के पढ़ रहे थे, किसी ने किया होगा तो वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मैंने नोट कर लिया था उसी समय कि मैं भूल न जाऊं। तो देखिए, इसमें उन्होंने दिया है, बहुत अच्छा दिया है, लेकिन उसको आज मैं अपने शब्दों में समझाऊंगी जिससे आपको भी समझ में आ जाए। देखो, इसमें उन्होंने दिया था, ये पूरा लाइन में है, मैंने मेन पॉइंट नोट कर लिया है, उन्होंने तो तर्ज में इसको बताया है। तो ये है कि हमारे देश में जो फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं वो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाते हैं, जो सेकंड डिवीजन पास होते हैं वो आईएएस पीसीएस बनते हैं, थर्ड डिवीजन वाले ठेकेदार बन जाते हैं, है? या और जो फेल होते हैं वो राजनीति में चले जाते हैं, ये जिसने बोला है उसने बोला है। और जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं वो अंडरवर्ड डॉन बन जाते हैं, और जो कभी स्कूल नहीं गए वो बाबा बन जाते हैं। ये तो फेसबुक का डायलॉग था जो मेरे बड़े बेटे आज दोपहर मुझको बताए कि आज किसी ने ऐसा फेसबुक पर डाला है। लेकिन मैं बहुत देर से सोचते सोचते आज आपको बता रही हूँ, इसके मतलब थोड़ा इसको शॉर्ट करके मैं आपको समझाऊंगी। ये बहुत बड़ा इन्होंने 5-6 कैटागरी बता दी, देख लेते हैं कितनी कैटागरियां हैं। हाँ, इन्होंने बता दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैटागरी इन्होंने बताई है, लेकिन मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी 4 कैटागरियां बताऊंगी, उसी में आपको समझ में आएगा। 4 कैटागरी का मतलब हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड से नहीं लेते कि कौन सा फर्स्ट आया और कौन सा डिटेंशन लाया, कौन सी मेरिट लाया, ये इस विषय में मैं आपको नहीं बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज का मतलब ये होता है कि जैसे पहले हम गांव में रहते थे तो जैसे ही 9th-10th में बच्चा पहुंचता था, एफ पास करता था, वैसे ही होता था। कौन सी साइड लोगे, उस समय की बात मैं बता रही हूँ, साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड, तब 3 साइडें होती थी दोस्तों। अब कितनी है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पहले 3 होता था, साइंस साइड, आर्ट साइड और कॉमर्स साइड। तो साइंस साइड वाले बच्चे जो हैं वो डॉक्टर या इंजीनियर बनते थे, कॉमर्स वाले जो हैं वो इसमें बैंक और इसमें सब में जाते थे, सीए वगैरह बनते थे, जो पढ़ने में ब्रिलियंट होते थे, वरना बैंक के क्लर्क तो बन ही जाते थे। और ये जो आर्ट साइड होते थे, ये अगर ज्यादा मेहनती निकले तो आईएएस पीसीएस तक पहुंच जाते थे। पहले गाँव में आईएएस पीसीएस निकाल लेना बड़ी मुसीबत थी, तो करीब करीब हमें लगता है 8 साल 1-2 बन जाते हैं, कुछ परीक्षा सही सरल हो गई या बच्चे पढ़ने में ब्रिलियंट हो गए। तो ऐसी 4, और जो कभी स्कूल नहीं जाते थे वो ठेकेदार बनते थे या चोर डकैत बनते थे या खेती किसानी करते थे, ये पहले जमाने का रूल था। तो इसको मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि जैसे मेरे 4 बेटे हैं, मान लीजिए मेरे 4 बेटे हैं, तो मेरा फर्स्ट बेटा, इसे समझाते हैं आपको, फर्स्ट बेटा यहाँ मैंने उसको साइंस दिलवाई है, मैथ दिलवाई है, बायो दिलवाई है। बायो दिलवाएंगे वो डॉक्टरी में जाएगा अगर पढ़ने में ब्रिलियंट है तो, और अगर आपने मैथ दिलाई तो इंजीनियर बनेगा। दो ही साइड है, डॉक्टर या इंजीनियर, इसी से रिलेटेड कोई भी नौकरी वो पाएगा जो साइंस साइड जिस बच्चे को मैंने दिलाया। मेरा दूसरा बच्चा आर्ट साइड लेके पढ़ा, मेरा तीसरा बच्चा कॉमर्स लेके पढ़ा, या मतलब आर्ट या कॉमर्स एक ही चीज है। तीसरा बच्चा जो है वो मेरा थोड़ा सा बदतमीज टाइप का, मान लीजिए कि एक दिन गया स्कूल डांटे फटकारे से, दूसरे दिन नहीं गया, तीसरे दिन फिर गया, चौथे दिन फिर भाग आया, इस तरह से उसने रगड़ घिसल के प्रमोटेड पास हो गया। दोस्तों, आप सबको मालूम होगा पहले सप्लीमेंट्री आती थी, सप्लीमेंट्री से पास हो गया, किसी तरह से ग्रेस मार्क मिल के पास हुआ। अब मेरा चौथा बच्चा है जो कभी स्कूल ही नहीं गया, जाता ही नहीं, माँ बाप तो बाहर जाते हैं। तो ये तो रही स्कूल की पोजीशन, यानी उनके 15-16 साल 17-18 साल ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अगर पढ़ने में बच्चे अच्छे हैं तो 18 साल तक सारी एजुकेशन खत्म हो जाती है, और नहीं अच्छे हैं तब तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाओ। तो 18 साल तक एजुकेशन खत्म होने के बाद हम अपनी जिंदगी की दौड़ में शामिल हो जाते हैं, यानी हम दुनिया में उतर आते हैं, हम पब्लिक के बीच आ जाते हैं, पब्लिक को फेस करने लगते हैं, क्या मुझे कुछ करना है, पढ़ाई खत्म, माँ बाप के ऐसा आराम खत्म, अब मुझे संघर्ष करना है, संघर्ष वाले जीवन में आ गए। तो घर गांव वालों ने तो यही कहा कि जो साइंस साइड है वो तो तुरंत ही नौकरी उसको लग जाएगी, ऐसा हुआ भी, वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, निकल गया। आईएएस वाले ने क्या किया, तो उसने भी बड़ी मेहनत की, वो आईएएस आईपीएस या पीसीएस कुछ बन गया, वो भी बन गया। थर्ड क्लास जो थर्ड नहीं, यानी जो किसी दिन गया किसी दिन नहीं गया, थर्ड क्लास ही समझिए, उससे भी गिना हुआ प्रमोटेड, वो गया, तो वो क्या बनेगा, जब उसको कुछ आता जाता ही नहीं तो कौन सी नौकरी पालेगा, किसी तरह रगड़ घसल के उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया।
तो वो उसने क्या काम किए, ज्यादातर मैं इधर उन्नाव जिले की साइट की हूँ तो उधर तो ज्यादातर लोग ठेकेदार बन जाते हैं, और क्या भाई पॉलिटिक्स में किसी पॉलिटिशियन के पीछे लग गए, कुछ दिन हाय हाय किया, कुछ दिन नेताजी के जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए, धीरे 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 8-10 साल में वो भी नेता बन गए, छोटे मोटे नेता तो बन ही गए। जो और जो अब आए चौथी पार्टी जो कभी स्कूल नहीं गई, तो या तो वो लायक हैं तो अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, बाप की अर्जित की भी जगह जमीन पे खेती किसानी करेंगे, माँ बाप के साथ रहेंगे, हैं। और नालायक हुए तो क्या करेंगे, नालायक हुए तो वो बाबा बन जाते हैं, बाबा बन जाते हैं। अब सिचुएशन देखिए, अब ये जो टॉप पर थे, टॉप पर कौन, साइंस साइड वाले, फिर सेकंड नंबर पे आर्ट वाले, थर्ड नंबर पर कभी कभी स्कूल जाने वाले, फोर्थ नंबर पर कभी ना जाने वाले, जैसे ही ये लोग समाज को फेस किए, समाज में आए, मतलब स्कूली लाइफ इनकी खत्म हुई, जहां ये टॉप पे थे कि मैं साइंस साइड में हूं, है साइंस साइड वालों को आज के 10 साल पहले बड़ा गर्व होता था, आईएएस पीसीएस भी साइंस में ही चुन लिए जाते थे, तो बीच में बंद कर दिया गया, फिजिक्स और मैथ वालों को आर्ट साइड को महत्व दे दिया गया। तो ये जो साइंस और जैसे इन लोगों ने दुनिया को फेस किया, अपने समाज में अपनी जगह बनानी चाहिए, वैसे ये माप, ये जो पैमाना था ये पलट गया, ये ऐसे हो गया। अब ऐसे में आप देख लीजिए, साइंस साइड वाले जो डॉक्टर इंजीनियर वो नीचे आ गए हैं, जबकि दुनिया इन्हीं पर टिकी हुई है, बड़ी बड़ी ट्रेनें बना रहे हैं, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, बहुत टेक्निकल काम इन्हीं के पास है, साइंस साइड है, कॉमर्स बायोलॉजी है, हमारे तुम्हारे जीवन का फैसला है यही लोग कर रहे हैं, हमारा आर्ट साइड का बच्चा नहीं कर पाएगा, या जो कभी नहीं गया ना वो कर पाएगा, तो ये लोग देख रहे हैं समाज में। तो ये क्या हो गया, ग्राफ पलट गया, जमीन दुनिया में आने पर ये नीचे आ गए, ये यहाँ पे आ गए। अब इनके ऊपर कौन आया, इनके ऊपर आ गए आर्ट साइड वाले, आईएएस पीसीएस जो इनको गवर्न करने लगे, मतलब एक आईएएस जो है वो इंजीनियर को गवर्न करने लगा, जो दुनिया में इतनी ताकत रखता है कि ट्रेन उड़ रही है, हैं ट्रेन चल रही है, हवाई जहाज उड़ रहा है, हैं बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं, उसके ऊपर कौन हो गया, आईएएस आर्ट साइड वाला, जिसको कुछ नहीं आता, नीली बत्ती लगाए पो 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 पो, लेकिन क्या है वो सिविल सर्विस में गया, उसको बोला जाता है इंडिया का दामाद, समझे, डीएम को यानी आईएएस को इंडिया का दामाद बोला जाता है, राजा जैसा रहता है। इसके बाद आए आईपीएस, आईपीएस वो इंडिया का बेटा, जो बेटा इसके लिए मरता है जरता है, पुलिस होती है आईपीएस, तो इंडिया के लिए मतलब भारत के लिए या अपने जिस जिले में पोस्टेड उसके लिए मरता है। तो चलिए ये लोग आ गए, ये तो टॉपिक बात को हो गया, फिर हम पहले टॉपिक पे आते हैं कि इन लोगों ने उस डॉक्टर इंजीनियर को जो जीवन भर साइंस साइड पढ़ के 2-2 बजे रात तक जगा, माँ बाप परेशान रहते थे बेटा सो जाओ, लेकिन वो पढ़ रहे हैं क्यों, साइंस साइड है, साइंस साइड बड़ी टफ पढ़ाई होती थी पहले, अब भी टफ होती है, आर्ट साइड में क्या है, आर्ट साइड तो लड़कियों का सब्जेक्ट माना जाता है, ये कहा जाता था कि शादी ब्याह के लिए आर्ट साइड है, बीए करा दो, एमए करा दो, शादी ब्याह हो जाएगी कि एमए पास है मेरी बेटी, तो ये तो आर्ट साइड तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आईएएस पीसीएस बने, इन्होंने डॉक्टर इंजीनियर को हावी हुए, उनको गाइड करने लगे, वो इनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, ये हो गया। अब नंबर 3 आया जो 10 दिन को जाता था, 10 दिन बाद नहीं जाता था, है घर में फिर डाटा फटकारा गया, फिर गया, किसी तरह प्रमोटेड, ग्रेस मार्क, पास हुआ, पास हुआ। अब वो आया तो उसने नेतागिरी शुरू की, वो नेता बन गया, छोटा मोटा नेता भी बना तो भी, एक आईएएस को तो गाली दे ही देता है, ये छोटा मोटा नेता भी वो बता देगा कि मैं फलाने मंत्री के साथ घूमता हूँ, आईएएस पीसीएस की माँ बहन 2 मिनट में निपटा देता है, ठीक है। तो पहले डॉक्टर इंजीनियर हुआ जो सबसे हाई फाई था शुरुआत में, उसके ऊपर आ गए आर्ट साइड वाले, आईएएस पीसीएस वाले, उनको गवर्न करने के लिए, फिर आईएएस पीसीएस को गवर्न करने के लिए कौन आया, जिन्होंने साल में 6 महीने पढ़ाई की और ग्रेस मार्क से पास हुए, यानी नेताजी राजनीति ज्वाइन कर लिया। अब चौथे वाले जो कभी स्कूल नहीं गए, तो मैंने आपको बताया कि या तो लायक है तो अपने माँ बाप की सेवा किए, खेती किसानी की, और नहीं नालायक है तो क्या करेंगे, अब आप ये सुनिए, वो नालायक जो थे ना उन्होंने माँ बाप की सेवा की, ना उन्होंने खेती किसानी की, उनको भी पैसा चाहिए अपने, मतलब आईएएस पीसीएस जैसे लोगों जैसा, तो उन्होंने क्या किया, घर के सामने एक मड़ैया बनाई, पीला कपड़ा पहना और साधु बन गए। अब 2-4 10 आने लगे, किसी को राख दे दिया, किसी को, अगर 10 आदमियों को आप थोड़ी बहुत राख देंगे
दस आदमियों को आप थोड़ी बहुत रख देंगे तो किसी को तो फायदा हो ही जाएगा। आप बाबा बन गए कि भाई वो बाबा जी बहुत पहुंचे हुए बाबा। ऐसे बहुत सारे बाबा लोगों को आप भी जानते होंगे, मैं नाम नहीं लूंगी, जानते होंगे जो आज हमारे जेलों में सड़ रहे हैं, कितना पढ़े लिखे है, बेविचार, बलात्कार, चोरी, चमारी, जो कुछ सब बाबाओं के पास है। तो क्या हुआ, बाबाओं ने इन तीनों को गवर्न करना शुरू किया। क्या बड़े बड़े नेता जी जो है वो बाबाओं के यहाँ पड़े हुए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि बाबा जी बताइए मैं प्रधानमंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा। तो क्या आज के जमाने में क्या हुआ, आज के जमाने में जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था साइंस साइड वो सबसे नीचे, फिर आईएएस पीसीएस थोड़ा सा उसके ऊपर, सबसे ऊपर हो गए बाबा लोग, बाबा के नीचे राजनेता, राजनीतिक, चाहे प्रधानमंत्री हमारे हों चाहे हमारे राष्ट्रपति हों, सारे के सारे बाबा जी के चरणों में सर झुकाते हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं है? कितने बाबा जी सही हैं, कितने घोटाले बाबा जी को पास हैं, लेकिन बाबा जी बिना पढ़े लिखे बैक बेंचर भी नहीं, बैक स्कूल उन्होंने टॉप किया है। बताइए आप कितने लोग मेरे इन वाक्यों से सहमत है, जो जो सहमत हो लाइक और कमेंट जरूर करें, जो भी मैंने गलत बोला हो उसे आप अपना समझकर क्षमा करें। थैंक यू।